तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां हुए ट्रेन हादसे ने एक बार फिर देश को दहला दिया। एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि ट्रेनों का सफर कितना सुरक्षित है। यह हादसा कानपुर में रूमा गांव के पास देर रात हुआ। हादसे का शिकार हुई है पूर्वा एक्सप्रेस, जिसकी 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर के रूमा स्टेशन के पास डिरेल हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हुए। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो इस पूरे ट्रैक पे जो दिक्कतें हुई हैं उसको दूर किया जा रहा है। राहत कार्य जो है वो चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। चूंकि हादसा इतना बड़ा था कि इस पूरी ट्रेन के जो 4 डब्बे थे वो पूरी तरह से उलट गए। हालांकि जो 12 डब्बे थे वो डिरेल हुए, लेकिन जो 4 डब्बे थे वो पूरी तरह से उल्टे हो गए। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट में ये जो राहत कार्य है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ट्रेन की बोगियाँ हैं वो पूरी तरह से उल्टी हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये रूमा स्टेशन है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये कानपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और ये हादसा करीब 1 बजे के आसपास हुआ है। तब सब लोग ज्यादातर सो रहे थे ट्रेन के अंदर। पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी। रात लगभग 1 बजे ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली थी। सभी यात्री गहरी नींद में थे। ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। कानपुर से 15 किलोमीटर पहले रूमा स्टेशन के पास अचानक एक तेज धमाका हुआ और ट्रेन 2 हिस्सों में बंटकर बेपटरी हो गई। हादसा होते ही मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। इनमें 10 सवारी डिब्बे, 1 पैंट्री कार और 1 पावर कार शामिल है। 4 डिब्बे तो पलटकर ट्रैक से 20 से 25 फीट दूर जा गिरे। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई मीटर दूर तक पटरी उखड़ गई और एक बड़ा गड्ढा हो गया। हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे। सोने के बाद अचानक से जब आवाज आई, हम लोग की आँख खुली तो हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी हमारी जो थी टेढ़ी हो चुकी थी पूरा। पहले आवाज़ आई बाहर से, पत्थर उत्थर का आवाज़ आने लगा तड़ातर, फिर कोच अचानक टेढ़ी होने लगी तो लगा कि नहीं, गाड़ी पटरी से उतरने वाली है। तो फटाक से सीट से उठा तो देखा नहीं, गाड़ी ऑलरेडी मतलब पटरी से उतर के नीचे आ चुकी है। हादसे की खबर मिलते ही आनन फान में रेलवे और पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। NDRF की 45 लोगों की टीम राहत और बचाव के काम में जुट गई। एक अच्छी खबर जो साथ में आ रही है वो ये है कि किसी के इस दुर्घटना में हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ पैसेंजर्स को मामूली इंजरीज आई हैं। रेलवे की ओर से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। पैसेंजर्स को ट्रेन को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिया है। राहत और बचाव के काम में जुटे रेलवे के अफसरों और इंजीनियरों ने दावा किया कि LBH कोच होने के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन में साधारण कोच लगे होते तो इस भीषण हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। LHB कोच वजन में हल्के होते हैं। एंटी क्लाइंबिंग जैसी खासियत के चलते ऐसे हादसों के दौरान LHB कोच एक दूसरे पर चढ़ते नहीं है, जिसके चलते हादसों की भयावहता कम हो जाती है। इस ट्रेन हादसे के चलते दिल्ली हावड़ा रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस रूट की 12 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं, जबकि 12 ट्रेनों का ही रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। भुवनेश्वर राजधानी, कोलकाता राजधानी, सियालदह राजधानी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही। अब हमारी यात्रियों को इवैक्यूएट करने के बाद जो हमारा पूरा फोकस होगा वो ट्रैफिक क्लियर करने पे होगा, जिससे कि जो मेन रेल बाधित हुई है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके और यातायात फिर से शुरू किया जा सके। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन कपलिंग टूटने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कपलिंग टूटने से ही ट्रेन 2 हिस्सों में बटी और फिर बेपटरी हो गई। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 03-264-0241-264-0242-264-0243-264-1-3660। इन नंबरों पर फोन कर यात्री और उनके परिजन किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।